हेलो दोस्तों, क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे नाउन चैप्टर। तो जो हम कर रहे हैं आज, ये आप समझ लो बेसिक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि ये जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि मींस कोई स्टेट का दे रहा तो स्टेट में आएगा, सेंटर में नहीं आएगा। जैसे सेंटर की SSC, IBPS और जो बहुत सारी होती है, और स्टेट की अपने हरियाणा की जो भी होती है, दिल्ली की, तो सब में आता है। जैसे आजकल DSSB के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं ना, उसमें भी बहुत यूज़फुल आपका। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट कि नाउन क्या होते हैं। नाउन क्या होता है बेसिकली, आप मान लो नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, या फिर एक कोई फीलिंग है, आइडिया है, फीलिंग आइडिया, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन है ना, इसको बेसिकली हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, और एक होता हमारा अनकाउंटेबल। तो अगर हम देखें कि भाई काउंटेबल कौन कौन सा होता है, तो उसमें हमारे आते हैं, पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाउन को संज्ञा ही बोलते हैं ना, तो प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में क्या आता है? नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या फिर प्लेस, यानी किसी एक विशेष रूप से, जैसे राम, या फिर हम कह सकते हैं पेन होता है, पेन में क्या आता है? पार्कर, विशेषता बता रहे हैं, विशेष की पार्कर का ही पेन, तो वो हमारा प्रॉपर होता है। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन क्या होता है? जो सभी के लिए कॉमन है, इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यानी कि ये किसी एक जाति को करता है, जाति मतलब एक कैटेगरी को संबोधित करता है। तो इसमें इसको ये बोल लो जैसे एक तरह से कि नेम शेयर्ड बाय एवरीवन ऑफ सेम काइंड, यानी कि जो एक जैसे ना, उन सब का मतलब जो शेयर करते हैं, जैसे डॉग सभी जैसे ही होते हैं, और क्या हो गया, बॉय, सिटी, पेपर, एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। और जो काउंटेबल में तीसरा है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो इसको हम बोलते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा हिंदी में, यानी जो एक समूह को संबोधित करते हैं। तो इसको हम लिख लो, इसमें आप नेम गिवन टू अ ग्रुप। ठीक है, जैसे हम देखें जो क्लास है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसी के तो क्लास बोलते हैं। या हम कह सकते हैं आर्मी, वो कहता है ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जो आपको याद करने होंगे। ये तो मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, बाकी ये एक अलग से भी करा दूंगा कि किस चीज़ के उसको क्या बोलते हैं, मतलब ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हमारा जो काउंटेबल में तो तीन तरह के आते हैं, एक तो प्रॉपर, कॉमन, और तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम करते हैं अगला, जो कि है आपका अनकाउंटेबल। तो हम कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें दो आते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। इसमें पहला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें हम वो वाली चीज़ इंक्लूड करते हैं जिससे दूसरी चीज़ें बनी होती है, यानी नेम ऑफ थिंग्स ऑफ विच
अदर थिंग्स आर मेड अप ऑफ, यानी वो चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ बनी होती है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, वुड, हम वुड को नहीं गिन सकते, हम फर्नीचर को गिन सकते हैं, लेकिन वुड तो हमारा मटेरियल है जिससे फर्नीचर बनता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, आयरन, और एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, जैसे ऑयल, वाटर एक्सेट्रा, तो ये सब हमारा मटेरियल नाउन में आता है। और जो लास्ट बचा वो कौन सा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है भाववाचक संज्ञा, यानी भाव यानी इमोशंस, फीलिंग। तो ये वो चीज़ होती है जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये वो चीज़ होती है। तो इसमें हम क्या एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक तरह से फीलिंग मान लो, किसकी, लव, एंगर। तो इसको हम देख तो सकते नहीं, छू तो सकते नहीं, लेकिन इसे फील कर सकते हैं ना, लव, एंगर, सैडनेस, और आप लिख लो भाई हैप्पीनेस, ठीक है ना, हैप्पीनेस आपकी होगी ना, तो ये हो गया फीलिंग। या फिर और अगर हम देखें तो किसी की क्वालिटी, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक संज्ञा, तो क्या है भाई, ऑनेस्ट है या ब्रेव है या क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब ये तो आपका वैसे बेसिक था कि भाई नाउन नाउन किस तरह से क्या होता है, इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। मेन जिस पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं रूल पे, ठीक है। लेकिन वो रूल करने से पहले मैं आपको ये जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि, अच्छा इसमें डिलीट हो गया ना, कोई नहीं, जो वो करने से पहले जो हमने पढ़ा था ना कि मीन्स अगली पे कर देता हूँ मैं, अगली स्लाइड पे, ये करने से पहले पढ़ा था कि भाई कलेक्टिव नाउन यानी जिसको बोलते हैं समूहवाचक, तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है जो हमें करने चाहिए, जो मैं आज कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे का, ठीक है ना। तो कुछ एक करा देता हूँ मैं आपको, जैसे जो बोलते हैं कलेक्टिव नाउन के बोले, जैसे बीवी ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स का एक तरह से होता है ना समूह या कुछ ही बोलो, उसको बेवी बोलते हैं। उसके बाद एक होता है जो यूज होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशंस, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये एग्जाम में आते हैं। और बंच ऑफ फ्लावर्स या ग्रेप्स, यानी फ्लावर या उसका ग्रेप का गुच्छा। अगला बंडल ऑफ बुक्स, ठीक है, और कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह, कोर ऑफ सिंगर्स यानी ये जो सिंगर्स होते हैं उनका समूह, ठीक है ना, हाइव ऑफ बी, हर्ड ऑफ कैटल यानी जानवरों का समूह हो गया, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों का दस्ता एक तरह से ना। उसके बाद एक है जो एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये तो जितने भी है ना आप इनको मतलब याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पहले भी ना पूछे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट ये कि जो पूछे हैं उनको तो याद कर ही लो, बाकी तो आगे का तो बात की बात है, लेकिन बेसिक तो करो कम से कम, ठीक है ना। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्ड और है इजी रिलेटेड जो मैं बता देता हूँ अभी आपको, वो क्या है कि जैसे होता है कि फिश, ठीक है, और एक वर्ड होता है फिशिज। तो इसमें क्या है कि भाई कोई एक जगह यानी कि जो आपका एक्वेरियम होता है या पूल कुछ भी मान लो, तो जब बहुत सारी मछली है उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी मछली है और सारी जो है ना एक ही तरह की है, कोई डिफरेंशिएट नहीं इसके अंदर, तो हम बोलते हैं फिश। और क्या है, अगर पूल में अलग अलग तरह की मछली है, कोई बड़ी कोई छोटी किसी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो हम बोलते हैं फिशेज। यानी इसमें
फिश का मतलब ये नहीं कि एक मछली फिशेज बहुत सारी मछली, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक ही तरह की बहुत सारी मछली होगी तो बोलेंगे फिश, और जब अलग अलग तरह की जो मछली होगी तो उसको बोलेंगे फिशेज। तो इस फिश के साथ क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ हम यूज़ करते हैं स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। और फिशेज के साथ क्या यूज़ करते हैं, ये करते हैं शॉल ऑफ फिशेज, शॉल ऑफ फिशेज। ये डिफरेंस है एक इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने का है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता रहता है। उसके बाद एक चीज़ हो रही है, एक आपने वर्ड सुना होगा जूरी, और एक वर्ड सुना होगा आपने कमेटी। तो ये भी जाता है कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है जूरी में और कमेटी में। तो जूरी है ना, इसका काम होता है फैसला लेना, फैसला लेना, या हम कह सकते हैं डिसीजन लेना, वो जूरी का काम होता है। और जो कमेटी है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्कशन करना किसी भी चीज़ पे या मुद्दे पे, चर्चा करना, डिस्कशन करना, वो कमेटी काम होता है। तो अब ये डिफरेंस भी याद रखो। अब ऐसे ही रख सकते हो कि जे जूरी, जे से क्या होता है जज, और जज का काम क्या होता है फैसला लेना होता है, तो वही काम जूरी कर रही है। आप ऐसे भी मतलब याद कर सकते हो। और कमेटी का काम क्या है, वो उसका काम होता है डिस्कस करना किसी मुद्दे पे। जैसे नहीं होता कि भाई मान लो वुमन सेफ्टी पे कमेटी बना दी, वो डिस्कस करेगी भाई क्या हम प्रोविज़न लाए या क्या मेजर ले जिससे वुमन की सेफ्टी को एनहांस कर सके, बढ़ा सके, ये होता है। एक चीज़ और इसमें देख लो, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे, बस पहली क्लास है तो हो सकता है कि आप मुझे कुछ सजेशन देना कि मेरे को स्लो पढ़ाना चाहिए या फास्ट पढ़ाना चाहिए, या मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आगे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो एक वर्ड होता है मॉब और एक होता है क्राउड। तो मॉब क्या होता है, मॉब होता है भीड़, गुस्से वाली, जो कि नुकसान करने के इंटेंशन से आगे बढ़ रही है। और क्राउड क्या होता है, एक नॉर्मल भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो क्या होगा, क्राउड हो गया। और मॉब क्या होता है कि लोग तो खड़े हैं लेकिन उनका इंटेंशन गुस्से वाला, नुकसान पहुँचाने का है, तो उसको मॉब बोलते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।